देखो वहाँ 18 साल की लड़की है, देखो चेहरा देखो एकदम मस्त है, इसके कान देखो, कान की बाली देखो, ये देखो दांत, देखो दांत एकदम पांडरे पांडरे, बोली लगा फटाफट, बोली बोली बोली, कितना 30,000 30,000 के आगे कोई एक है, जल्दी बोलो 45,000 50,000 50,000 दो 50,000 तीन, अरे बराबर है, पावती बना पावती मिलेगा, सब मिलेगा, रुक थोड़ा। संतोष बाबू ये रसीद, मेरी बहन 1 साल के लिए आपकी बीवी। हाँ भैया कितना हुआ? 100 रुपया। अभी जोर की आवाज सुनाई थी, फिर मैं भाग भाग के आया और देखा, इसके बाद जायसवाल साहब को तुरंत फोन किया, साहब बस आते ही होंगे वो। आई साहब, ये जायसवाल साहब। उधर सब्जी यहाँ पड़ी है, मतलब लड़की यहाँ से आई, किसी को देखा, फिर ऊपर। चलो ऊपर। सर यहाँ किसी का मोबाइल गिरा है, कॉल डिटेल निकालो इसकी। सर मिस्टर और मिसेस जायसवाल दोनों आ गए हैं। सरिता आप लोगों के यहाँ कब से काम कर रही? सर हमारे यहाँ वो 3 महीने से काम कर रही थी, उसका पति चंदर भी था उसके साथ सर, और वो भी सोलापुर का ही था। तो सोलापुर से हो तुम? देखो आपको मैडम ने तो सब कुछ समझा दिया है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरिता और उसकी बच्ची तो सर्वेंट रूम में रह सकती है, पर तुम उनके साथ नहीं रह सकते। हो साहब, उसके व्यवहार में कभी आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाओ जिससे कुछ शक पैदा हो तो। नहीं सर, वो तो बहुत ईमानदार थी। मैडम ये कान की बाली आपकी वो घूम गई थी ना, मुझे अभी कमरे में मिली। थैंक यू सो मच, मुझे तो लगा था कल मार्केट गई थी ना, वहां मैं घुमाई और देखिए इसने ढूंढ दी। थैंक यू सो मच। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उसने वो मीनू को लेके कूद गई। मीनू उसकी जान थी सर, अभी कल रात की बात है, मीनू को हल्का सा बुखार था। मैडम जी देखो ना, बहुत रो रही है, बुखार की वजह से पूरा बदन तप रहा है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसे बहुत बुखार है, मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, इसे दवाई दे देती हूँ, सुबह तक उतर जाएगा बुखार। ले चलते है ना, बहुत रो रही है। चलो चलो मैं लेकर चलता हूँ। सर वो हमेशा कहती थी बेटी को पढ़ाएगी लिखाएगी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया सर पता नहीं सर। उसका पति चंद्र क्या करता था? जी ऑटो रिक्शा चलाता था। दोनों में बनती थी? सर वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हर संडे को हम उसे छुट्टी देते थे, तब चंद्र उसे लेने के लिए आता था और शाम होते होते उसे छोड़ जाता था। लेकिन सर पिछले संडे उन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई थी। एक बार नहीं बोला तो समझ नहीं आता क्या? हाँ क्या हुआ सरिता, सब ठीक तो है? क्या हुआ, ठीक है? हाँ मैडम सब ठीक है। हादसे के वक्त आप दोनों कहाँ थे? सर हम क्वारी में आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, और आप हम पर ही शक कर रहे हैं? शक करना तो हमारा काम है। अभी हादसे के वक्त आप लोग कहाँ थे, ऑफिस में किसके साथ थे, सारी डिटेल ले लो। यस सर। आजकल में चंदर कभी आया? जी हमारे सामने तो कभी नहीं आया, हमारी एब्सेंस में आया हो तो पता नहीं, आप वॉचमैन से पूछ सकते हैं। साहब मैंने पहले भी बताया था ना, मैं खाना खाने गया था साहब। इसकी एजेंसी का नंबर ले ले। जहाँ तक मेरी जानकारी है सरिता को जायसवाल के पास काम तुमने लगवाया था। हाँ साहब, वो चंदर है ना उससे जान पहचान हो गई, उसने बोला बाई को काम दिला दे, मैंने दिला दिया साहब। चंदर को कैसे जानते हो तुम? वो मेरी चाली में ऑटो ड्राइवर है ना दामोदर, उसने जान पहचान करवाई साहब। ये चंदर आखिरी बार यहाँ पे कब आया था? इतवार को साहब। उल्टा जवाब देते, उल्टा जवाब, उल्टा जवाब।
उल्टा जवाब दे दे मेरे को। इसको चुप कर, चुप कर, इसको भी मैं करूंगा, तीनों का करूंगा, मैं छोड़ दे, चिल्ला कर करूंगा, रुक को मैं माफ कर, मैं काई को करूंगा, उल्टा जवाब, माफ कर, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, बस थकली माँ जी ताई, वीरू को इस प्रथा से बचाने के लिए भाग गई चंद्रभाव के साथ, और उसने मेरे को भरोसा दिलाया कि पैसा जमा करके वो मुझे बुला लेगी, फिर मेरे को बुला लिया, मैं खुशी खुशी चली गई, चंद्रभाव ने मुझे रहने की जगह दी, पर मैं पागल, सबसे बड़ी पागल, मैं आई को फोन कर बैठी। हेलो आई, करुणा मेरी बच्ची, कैसी है तू? आई मैं ठीक हूँ। कहाँ है तू मेरी बच्ची, बोलना, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, बता कहाँ है? मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में कैसे पहुँच गई वहाँ? वो चंद्र भाव मुझे लेकर आए थे। मैं जोगेश्वरी ईस्ट में चंद्र भाव के साथ खोली नंबर 36 में हूँ। बेटा ताई कहाँ रहती है, बता दे बेटा। हाँ मैं मिली, वो ना ऊंचे वाले घर में काम करती है। अच्छा बच्चा, फोन करती रहना। हाँ आई, तो बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ एक दिन लॉज में चंद्र भाऊ का फोन आया, बोले तुरंत बस स्टॉप पर आ जा, और मैं वहां पहुंची तो बाबा और भाई सामने थे, और वो लोग मुझे जबरदस्ती ले गए, बोले कि तू अब किसके सहारे जिएगी, तेरे चंद्र बाबू और सरिता ताई तो ऊपर चले गए, वो लोग ने मेरी ताई को मार डाला, और जिसके साथ ताई का सौदा हुआ था उसकी भरपाई तो करनी थी ना, फिर मेरे को भेज डाला उस संतोष के पास। साहब वो चंदर गले की हड्डी था साहब, उसे निकालना जरूरी था, इसलिए बुलाया साहब उसको। ए बकचंदर, मेरे को मालूम है कि मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, क्या करूं, दोनों बेटियां भाग गई, गांव वाले मेरे मुंह पे गोबर मार रहे, बस अब तू मेरी इज्जत बचा ले, जो तू बोलेगा ना वो सब मेरे को मान है, और देख तेरा लगन मैं सरिता के साथ में करवा दूंगा हमेशा के लिए, अरे एक रुपया भी नहीं लूंगा देवा से पर। अब उसको बुला लो, हम लोग माफी मांगना चाहते, प्लीज आप बुला लो उसको। सरिता को फोन लगा, उसको भी बुला, उसकी आई बहुत बीमार है, वो उसको दोनों को देखना चाहती है, अब क्या करूं, मेरे को उसको मिलने का है, अरे बाप का दिल है ना, उधर इससे हम वापस चले जाएंगे गाँव। पण भाव एक शर्त, करुणा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बोला ना तेरे को देवा शपथ, अब ऐसा नहीं होगा, फोन लगा उसको। हेलो करुणा, हाँ तू जल्द से जल्द बस स्टैंड पहुंच। सब ठीक हो गया? तेरे बाबा से बात मैंने कर ली है, तू जब चाहेगी जहाँ चाहेगी तेरी शादी करने के लिए वो तैयार है, अब कोई तकलीफ नहीं होगी, सरिता ताई को भी मैं वही ले आ रहा हूँ। ठीक है चलो, तुम दोनों को भी बस स्टैंड छोड़ देता हूँ और सरिता को भी वही ले आता हूँ। ए चंदन, सरिता का पत्ता हमारे पास में है, क्या समझा? काय? अरे सरिता बेटी कैसी है तू, बड़ी ना? अरे ले मीनू, उनको सबको लेने आया है, चल गांव चल। मैं नहीं आऊंगी, जावा तुम ही इतना। सर संजय आई से दर्द दिला, दर्द तो अरे अरे धरना धरना पकड़ का, सब तो का चल, दर्द दिला, रुक
सीता कांति देश उधर ही रुक। तेरे और मीनू के भाग में यही लिखा है, समझी कि नहीं? हम अपने नुकसान की भरपाई इस मीनू से करेंगे। देव से इधर। मैं कहीं नहीं आऊंगी। मैं चंदर को फोन कर दूं। अरे चंदर को घर के हम लोगों ने फेंक दिया है। क्या बोल तू? ये सुन नहीं बोलने का था। हाँ भैया, कितना हुआ? ए संजय, वक्त तो कहाँ है? धर दिला। चल, अब चंदर भी नहीं, कौन बचाएगा? चल पकड़। ए रुके, रुक, किधर जा रहा? ए ए रुक, ए रुक, रुक। संजय भाग, चल भाग। फिर करुणा को वापस लाके भेज दिया संतोष को, जो किया ना साहेब रिवाज के हिसाब से किया, कोई पाप नहीं किया साहेब। तुम लोगों को देखकर घिन आती है मुझे, तेरे खिलाफ, तेरी घरवाली के खिलाफ और तेरे बेटे के खिलाफ ऐसी तगड़ी चार्जशीट बनाऊंगा ना कि पूरे मांदेली गांव की आंखें खुल जाएगी सजा सुनके। बाबा अभी नहीं, पहले दीदी ट्यूशन जाएगी फिर घर आएगी, ओके? हाँ हाँ, तुम्हारी आइसक्रीम भी लेकर आऊंगी, पर प्रॉमिस करो उससे पहले तुम अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, है ना? में आओ। क्या हुआ था? सर मैं जब यहाँ पहुंचा तो सब कुछ हो चुका था और भीड़ इकट्ठी थी, इसी में से किसने आपको कॉल किया? किसने कॉल किया? सर मैंने एम्बुलेंस वाले को भी बुला लिया। कॉल किसने किया? साहब मैंने किया था कॉल। साहब मैंने कुछ खास देखा नहीं, मैं जब आया तो लाश ऐसे पड़ी हुई थी। किसने कोई गाड़ी देखा यहाँ पे? जी सर गाड़ी तो नहीं, मैंने ऑटो रिक्शा देखा लेकिन सर नंबर नहीं देख पाया, जब तक मैं पहुंचा सर ये ऐसी पड़ी हुई थी। राकेश लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जैसे ही रिपोर्ट आती है मेरे को लाके दिखाओ। चल विजय डो विजय। ओहो मीनू बेटा, कितनी बार कहा है कि दीदी की बुक्स के साथ मत खेला करो, आपने अपना होमवर्क किया? बुक्स छोड़ो, दीदी आने वाली होगी। हेलो, हाँ रेखा बोलो। न्यूज आप देख रहे हैं कि दिन दहाड़े एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, लड़की कहाँ से है कौन है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अगर आप में से किसी को भी लड़की के बारे में कुछ भी पता चल रहा है तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पर कॉल करिए। समझिए अपने को। आपकी बेटी SYTM कॉलेज में पढ़ती थी, आप रहती प्रीत विहार में। अब सवाल ये उठता है कि वो मयूर विहार में क्या कर रही थी? वो मयूर विहार अपनी ट्यूशन क्लासेस के लिए गई थी, मेट्रो से उतरने के बाद अक्सर वो वहाँ पैदल चली जाया करती थी। कॉलेज से घर कितने बजे तक आ जाती थी? यही कोई 4-4:30 के बीच। कॉलेज के बाद वो सीधे घर आ जाती थी या फिर अपने दोस्तों के साथ? एथली को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था,
उसका सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में था, और जब कभी भी वो आधा घंटा भी लेट हो जाती थी तो मुझे फोन करके बता देती थी। किसी पे शक? यहाँ पे दुबेर को एक मर्डर हो, तुमने देखा? नहीं देखा साहब मैंने। एक लड़की का मर्डर हुआ है? नहीं देखा ही नहीं मैंने, सिर्फ मेरे काम में बिजी था। जी सर, कल ऑटो रिक्शा में कुछ लड़के लोग यहाँ से जा रहे थे। कितने लड़के थे? 2 या 3, लेकिन मैंने उन लोगों के चेहरे नहीं देखे थे। आपने कुछ तो देखा होगा। वो रिक्शा में से जो एक लड़का था वो लड़की से बात कर रहा था, और उसके गले में जो दुपट्टा था वो उसे लेके खींच रहा था। मैं एकदम घबरा गई और मैं अपने बच्चे के साथ मैं वहाँ से चली गई। आपने ऑटो रिक्शा का नंबर तो देखा होगा? सर मैंने पूरा नंबर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ लास्ट के 2 नंबर मुझे याद है। क्या थे 2 नंबर? 5 और 6। 5 और 6? नहीं सर, मैं तो उस समय फोन पे बात कर रहा था, और आवाज सुनकर जब मैं पीछे मुड़कर देखा कि रिक्शा बहुत तेजी से जा रहा है और लड़की की लाश पड़ी हुई थी। सर इन्वेस्टिगेशन से यह मालूम पड़ा है कि दुपट्टा खींचने के पहले आपकी बेटी मैथिली ने उन लड़कों से बातें की थी। इसका मतलब ये होता है कि मैथिली उन लड़कों को पहले से जानती थी। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग से कभी भी उसने उन लड़कों के बारे में जिक्र किया? ऐसा हो नहीं सकता, उसकी किसी लड़के से कोई दोस्ती नहीं थी। हाँ कॉलेज में उसकी सहेलियां कुछ जरूर थी। अच्छा ये बताइए, क्या वो किसी नेबर से ज्यादा क्लोज थी, या कोई नेबर ऐसा था उसका जो जबरदस्ती या बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था उससे बातें करने की? सबके साथ हमेशा अच्छे से बात करती थी, वो भी सिर्फ जरूरत पड़ने पर, वरना वो तो अपनी पढ़ाई में ही लगी रहती थी। दोस्त उसके बहुत कम थे, लेकिन हाँ कोई ना कोई दुश्मन जरूर था। दीदी कहती थी कि नीचे अकेले खेलने मत जाया करो। क्यों? क्योंकि नीचे एक गंदे अंकल आते रहते थे, और दीदी नहीं जाती थी कि मैं उनके पास जाऊं। यहाँ बेटा। अच्छा ये बताइए कि आप उस गंदे अंकल को जानती थी? नहीं मैं नहीं जानती थी। राकेश ये गंदे अंकल कौन है? तो मुझे लगता है उसने जनरली ये कहा ताकि मीनू बाहर खेलने न जाए। नहीं नहीं राकेश, अगर ये जनरल बात होती तो वो बोलती गंदे लोग, गंदे अंकल कह के नहीं बुलाती। या फिर अगर कोई नेबर होता तो फिर वो उसका नाम लेके बुलाती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक इंसान है जिसको मीनू गंदे अंकल कह के बुलाती है। एक काम करो राकेश, यहाँ के सेक्रेटरी से बात करते हैं, शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। राइट सर। सलीम है तू? नहीं साहब। क्या हुआ? कौन है तू? सब दोस्त है मेरा साहब। सवाल कर रहा हूँ तुझसे, चुपचाप जवाब दे। सलीम किधर है? पता नहीं साहब, उसका सामान नहीं, शायद गांव गया होगा अपने। कौन सा गांव उसका? कौन सा गांव सर? वो हल्दीपुर में मेरठ के पास है। आप लोगों से छुपाएंगे तो आप लोग भी अंदर जाएंगे। साहब बताए तो सही, क्या किया है मेरे बेटे ने? खून किया है उसने, बेरहमी से किसी लड़की की जान ली है उसने। नहीं नहीं साहब, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता, वो तो औरतों की बहुत इज्जत करता है। अरे घर में 3-3 बहनें हैं साहब, जरूर आपको किसी ने गलत खबर दी होगी। खबर गलत होती ना तो फरार नहीं होता। उसके और आपकी भलाई इसी में है कि उसका पता चलते ही उसे थाने भेज दीजिए, या फिर हमें खबर कर दीजिए। जितनी लंबी देरी होगी उतनी लंबी चार्जशीट बनेगी, याद रखिएगा। छेड़छाड़ तक ठीक था यार, पर जान जान नहीं लेनी चाहिए थी यार हमने उसकी। कब तक चिपके रहेंगे? कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे ना। ए फट्टू, इतने बड़े दिल्ली में तू क्या अकेला मुजरिम है? राजधानी है राजधानी, बड़े बड़े क्रिमिनल यहाँ घूम रहे हैं, समझा? तेरा मेरा नंबर तो बहुत बाद में आएगा। रिलैक्स, हफ्ता 2 हफ्ता आराम से बैठ, फिर निकलना, समझा? देख पुलिस तो क्या, लड़की के माँ बाप भी सब भूल जाएंगे। और राज, राज कहाँ है? उसका भी तो फोन नहीं लग रहा। उसको कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कर, ठीक है? नहीं फंसा है तो भी फंस जाएगा, चिंता मत कर, वो मेरे टच में है। चल फोन रखता हूँ मैं, अब बार बार मुझे फोन मत कर, बाय। सर सलीम ना घर पे है ना गाँव में, अर्जुन भी कहीं चिपके बैठा हुआ है, और बाकी लोगों के तो नाम तक पता नहीं सर हमें। राकेश तुम एक काम करो, यमुना पार जितने भी कॉलेजेस हैं, ट्यूशन सेंटर्स हैं, वहां पर ये स्केचेस दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो। आई एम 100% श्योर कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जरूर मिलेगी, बट मेक इट फास्ट। यस सर। ओके।
इसको देखा है? हाँ साहब। इधर प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे पान वाले के पास ड्रग्स लेता हूँ। ये गलत खबर दे रहा। नहीं साहब नहीं, मैं सब कुछ नहीं करता। कब से चालू क्या ये? नहीं साहब। हाँ नहीं साहब, चलो सब किसी ने गलत। देख इसको ध्यान से, देख इसको, कौन है ये? देख ये अर्जुन है साहब। अर्जुन है ये? हाँ हाँ हाँ। ये कौन है? नहीं साहब, अर्जुन को पहचानता है, अर्जुन को पहचानता है, लेकिन बाकी दूसरों को नहीं पहचानता। हाथ लेंजर साहब, जो पूछा है पीछे से जवाब देने का। अर्जुन का एड्रेस क्या है? एड्रेस नहीं पता साहब। फोन नंबर क्या है उसका? अब फोन नंबर पता है साहब, टाइप कर दे। हाँ टाइप कर। तुम्हारे पड़ोसी अर्जुन को जानते हो तुम? जी सर जानता हूँ। उसके घर पे ताला लगा हुआ है, कब से नहीं देखा तुमने उसको? बहुत दिनों से नहीं देखा है सर उसे। हर महीने 1 तारीख को किराया देने आता था, इस बार भी आकर देकर गया, लेकिन उसके बाद घर पे ताला ही लगा है, आज तक दिखा नहीं। ठीक है चल। सर ये 2 नंबर है जिनकी बार बार आपस में बात हो रही है सर, ये दोनों नंबर उन्हीं लड़कों के होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नंबर्स एक्टिव हैं या नहीं। सर मैं अभी फोन करता हूँ। नहीं राकेश नहीं, तुम्हारा नंबर फ्लैश होगा, मोबाइल कंपनी को फोन करो, पता करो ये नंबर्स एक्टिव हैं या नहीं। छोड़ क्या कर रहा है? छोड़, तूने किया समझा? दुपट्टा तूने खींचा था, मैंने नहीं खींचा था। अरे छोड़, तूने क्यों फंसाया मेरा नाम? क्यों बोला तुम लोगों ने मेरा नाम? झूठ बोल रहा है तू। किसने बोला तुझे? किसने बोला तुझे मैंने नाम लिया है? पता चल गया मेरे को साहब, चुप कर समझा। छोड़ तो क्या हुआ, बेवकूफ की तरह चिल्ला मत समझे। सुन ये लोग ना हवा में तीर छोड़ रहे हैं, सच बात ये है कि हम लोग कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे समझा। अच्छा प्रूव नहीं कर पाएंगे हैं? तूने जो उन लोगों को बताया उसका क्या? उसका क्या? सुन उस दिन मैं और राज तेरे साथ थे। That's like a good girl. भाई आस्था बड़ी मस्त लग रही है। मीनू मैं ना मामा को बता देना कि मैं 4 बजे घर पहुंचा। हां ठीक है ठीक है, आ जाएगी 4 बजे। ये असली कांड तूने किया है भाई, दुपट्टा तूने ही खींचा था और कॉल करके भी तूने ही बुलाया था। तेरी वजह से मर रही है लड़की। हाँ ठीक है मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ चिल्लाओ तो मत, चिल्ला क्यों रहे? और आपको ये लगता था कि आपका बेटा बेकसूर है? ए बंद करो, बंद करना नाटक, लेके जाओ इनको। चल 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 भाई, तू भी चल। मैथिली की जान लेने वाले आखिरकार सलाखों के पीछे थे, दोषियों को सजा मिली, लेकिन उन मासूमों का क्या जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देखते हैं। चलो नरेश निकलता हूं, बेबे चलते। अच्छा बुद्धा पहुंच के फोन कर देंगे? मैं पहुंच गया। अच्छा मैं फोन कर दूंगी बेबे। फेरी पौना। बाय दादी। अंजलि पुत्र बाय बाय। अंजलि पुत्र बाय बाय। क्या दादी? पापा मैं गाड़ी लेके आती हूँ। हाँ अंजलि मैं भी साथ चलती हूँ। अंजलि 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 लिसन, अंजलि लिसन टू मी, अंजलि 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 व्हाट? अंजलि प्लीज लिसन टू मी। लुक अंजलि आई प्रॉमिस तुमने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगी, पर प्लीज मॉम डैड को कुछ मत बताना प्लीज। पक्का? पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक्स अंजी, आई लव यू, हैप्पी दिवाली।
चल गाड़ी में बैठ। मैं और अंजलि पार्किंग से गाड़ी निकालने गए थे और गाड़ी में बैठने से पहले ही उन लोगों ने अंजलि पर अटैक कर दिया और जब मैंने उसे बचाना चाहा तो उन लोगों ने मुझ पर भी अटैक कर दिया और सर फिर वो अंजलि को लेकर भाग गए। कितने लोग थे? सर कुल 3 लोग थे। किसी का चेहरा देखा तुमने? I mean, age group? नहीं सर, उन लोगों ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। गाड़ी का नंबर? सर सब कुछ इतना ऑल ऑफ अ सडन हुआ ना, कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ उनके पास ब्लैक कलर की SUV थी। एरिया हरियाणा बॉर्डर काफी पास में आता है, ये लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश जरूर करेंगे। कंट्रोल रूम को फोन करो, गाड़ी की डिटेल्स दो, नाकाबंदी लगाने बोलो और इस मेक और मॉडल के हर ब्लैक SUV को चेक किया जाए। सर रुमाल हटा दे भाई, बेहोश है। एक बात बताऊं, पीस बड़ा टैट है। फूल कुमारी नाम के तेरा नहीं बताओ कोई बात ना। अच्छा गाल पर पुच्छी तो दे देख। कहाँ चलना है? एक काम कर, राष्ट्रपति भवन ले ले। आपकी अंजलि की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। साड़ी किसे ना कोई दुश्मनी नहीं, कभी किसे ना पूरा नहीं की। अंजलि का कोई अफेयर, किसी से कोई खास दोस्ती या कोई एक तरफा प्यार का मामला, मतलब कोई परेशान कर रहा उसे, ऐसा कुछ बताया उसने? जी नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताती। यार ये तेरा संगीत क्या कर रहा है यार? कितना मारने की क्या जरूरत थी, हमारी तो खाली ये बात हुई थी ना कि हम लोग। यार छोड़ ना, तुझे इस लड़की को सबक सिखाना था ना, इसलिए मैंने सतबीर भाई को इन्वॉल्व किया। वो सब ठीक है यार, लेकिन मैंने तेरे को सिर्फ इतना कहा था कि इसको केक आता था ना। मेरे भाई केक आता था ना वो? कुछ नहीं सतबीर भाई, मैं बस इतना ही कह रहा था कि बहुत हो गया इसके लिए, समझ जाएगी। तो हाथ साफ है तेरे? अरे हाथ साफ है तेरे? हाँ। चेन बंद कर मेरी। अरे मेरी पैंट की चेन बंद कर, एक हाथ से नहीं होती मुझसे। हेल्प मी प्लीज, बंद कर। गुड मार। वहां तक आने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दी गई। पता चला है कि लड़की का फोन उसके पास है जो कि अभी तक ऑन है। हमारी साइबर सेल ने उसे ट्रैक करने की कोशिश शुरू कर दी। एक्सीलेंट। अंजलि की फैमिली से कहो कि गलती से भी उसके नंबर पर कोई कॉल ना करे। उसका फोन अभी तक ऑन है, मतलब किडनैपर्स की नजर उस पर नहीं पड़ी। सेल रिंग होगा, उन लोगों को पता चलेगा, वो स्विच ऑफ कर देंगे। लड़की और उसकी फैमिली जिस रूट से उसके अंकल के घर जा रहे थे, पता करो उस रूट में सर्विलेंस कैमरास है कि नहीं। अगर है तो सबकी फुटेज निकलवाओ एंड चेक देम, कहीं कोई उन्हें फॉलो तो नहीं कर रहा था। यस मैम। मनीष कितनी देर लगेगी हमें अंजलि का फोन टैप करने में? मैम 15-20 मिनट्स। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये मामला फिरौती का नहीं लगता, तुम यहीं पे रुको, आंखें और कान खुले रखना, शायद कुछ पता चले। जी सर।
बे मुंह क्यों लटका रहा है? तेरे और नीतू के बीच में आ रही थी ना ये, तो अब नहीं आएगी। टेंशन मत ले, रिलैक्स। चल विराज, एक तेरा नंबर है। चल बेटा, अब तेरा नंबर है। नहीं सतबीर भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा सतबीर भाई, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्यों, स्टैंडिंग प्रॉब्लम है तेरी? सतबीर चल चल सतबीर प्लीज। चल बेटा चल। नहीं करेगा ना, ऐसी जगह काटूंगा, जिंदगी भर के लिए फैक्ट्री बंद हो जाएगी सारी। फिर चाहोगा ना तो भी कुछ नहीं कर पाओगा। चल पेंडल लेकर। सबीर भाई जाने दो ना, अगर वो नहीं चाह रहे हैं ना छोड़ दो ना। तुम चढ़ रही फंस फंसा गए ना, क्या कहूँगा पुलिस के सामने? जीवन कुछ नहीं करा, जो कराए ना करा, इसका करना सबसे जरूरी है, समझो। चल भाई चल, सबीर भाई निकाल पैन, निकाल सबीर भाई, प्लीज मत करो सबीर भाई, आप क्या चाहते हो? पैन निकाल, बोल रहे इसको, बात बोल, चल चल सबीर भाई प्लीज, अरे चल सबीर भाई प्लीज, सबीर भाई नहीं, सबीर भाई प्लीज नहीं, सबीर भाई बात बोल, इसको नहीं। लड़की कहाँ है? लड़की लड़की कहाँ है? सर आप किसकी बात कर रहे हैं? वही लड़की जो तेरा दोस्त राज उठा के लाया था। उठा कर लाया था? सर मुझे कुछ नहीं पता है उसके बारे में, वो पीछे है सर्वेंट क्वार्टर में। संभालो इसको, चले। निकल गए लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मूव मैम, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। सतबीर भाई कुछ होगा तो नहीं ना यार, आप संभालोगे ना? अरे कुछ ना होगा, वैसे भी ऐसे मामले घरवाले खुद ही दबा दे हैं, एक बार यहाँ से सेफ निकल गए फिर कुछ ना होगा। एक बात बता, मजा आया कि नहीं? भाई मारे के लड़ा होगा ना, नुआश करेगा। पर एक बात है यार, पीस बड़ा टैट था। अंजलि का सार में, इस सार में। अरे तुम, मेरी बुआ का नाम अंजलि है ना, इशार मेरे वाकई बात होगी। सर सर मैं अंजलि मेरे और नीतू के रिश्ते को नहीं मान रही थी सर, मैं उसको सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, डराना धमकाना चाहता था, लेकिन इसने मार दिया सर उसको। अंजलि की
मुझे बेहद दुख है, हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी। लेकिन नीतू ने अगर वक्त पर हमें सच्चाई बता दी होती तो ये सब होने से पहले हम अंजलि तक पहुंच जाते और उसे बचा लेते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.